ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खरनाल वसुंधरा राजे खरनाल में आए हैं और यहाँ पर पैनोरमा जो बना हुआ है यहाँ पर वसुंधरा राजे पहुँच रहे हैं। उनके जन्म से लेकर के और लास्ट तक पूरा पैनोरमा ये है वो है ये है ये है वही ये आपने निर्माण कराया और 10 बीघा जमीन आपने और इनके लिए यहाँ कार्यक्रम करने के लिए अभी तक क्या कि हम 4 दिन पहले आए थे जब हम ये उनको थाना करके गए थे अभी तो किस विभाग के पास वसुंधरा राजे पैनोरमा के अंदर विजिट करके सीधा जहाँ पर धर्मसभा है वहाँ पर रवाना हो रहा है। तस्वीरें आपके साथ में खरनाल से बता रहे हैं और ये वसुंधरा राजे के गाड़ी जिसमें वसुंधरा राजे बैठ के खरनाल आए हैं और रोड मार्ग से आज बड़ा भारी काफिले के साथ में ये नागौर के अंदर शक्ति प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरीके से विधानसभा के चुनाव इसी साल है और वसुंधरा राजे लंबे समय के बाद में खरनाल दर्शन करने के लिए आए हैं तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तस्वीरें आपके साथ में खरनाल से आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए पैनोरमा से रवाना हो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना कि लंबे समय के बाद में वसुंधरा राजे खरनाल आने की क्या महत्वता रहेगी, क्या पूरे जो जाट वोट बैंक है वो वसुंधरा राजे की तरफ जाएंगे पूरे या नहीं जाएंगे, वसुंधरा राजे का अगर चुनावी पेंच खेला जाएगा तो यही खेला जाएगा कि खरनाल दर्शन करने के लिए आए हैं। इसका मतलब बहुत बड़े संगठन के रूप में जाट समाज के यहाँ पर वोट है राजस्थान में और वसुंधरा राजे इसी साल विधानसभा के चुनाव है तो चुनावों को लेकर ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि वसुंधरा राजे चुनावों को लेकर सक्रिय हो रही है और वसुंधरा राजे का आज खींवसर के अंदर एक तरह से ये सड़क मार्ग है और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि सड़क मार्ग से शक्ति प्रदर्शन की तरह इतने लोग साथ में है, इतना भारी हुजूम साथ में आया हुआ है, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां साथ में और वसुंधरा राजे वीर तेजा जी पैनोरमा खरनाल से सीधा कथा जहाँ पर धर्मसभा रखी हुई है वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आपके साथ में मैं बता रहा हूँ।